गुड मॉर्निंग। क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक हम कर रहे थे एंगल्स। बेटा इससे पहले मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया था, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एंड उसके बाद भी हमने आइडेंटिफाई ऑफ एंगल्स के बारे में बताया था कि मैंने एक शेप दी थी, ये कौन सा एंगल है या ये कौन सा एंगल है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। ये कौन सा एंगल पढ़ाया था, ये जैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल है या राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। फिर उसके बाद मैंने आपको मेजर दिया, उसके बाद आपने व्हाट आर द मेजर्स, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कल। आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है आज हम क्या पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे नंबर वन है एंड एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल, एक्यूट या एंगल एंड एंगल इज मेजर्ड इन, जो एंगल है वो किस से मेजर हम करते हैं, दैट्स डिग्री से हम मेजर करते हैं, DEGREE, डिग्री से हम इसको मेजर करते हैं। नंबर टू, डिग्री इज रिटन। अब डिग्री क्या है, DEGREE, डिग्री इज रिटन, RITTEN, डिग्री कैसे हम रिटन करते हैं, डिग्री को हम कैसे रिटन, डिग्री इज रिटन एज, इस तरह हम जीरो इसको हम बोलते हैं, जीरो डिग्री हम बोलते हैं। थेन थर्ड, वन बाई टू राइट ऑफ ए राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, वन बाई टू ऑफ ए राइट एंगल इज, देखिए राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, उसका हाफ किसके बराबर होता है, अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे 2 से वो क्या बन जाएगा, 45, वो क्या बन जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट, टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल, ऑफ ए RIGHT, राइट एंगल इज इक्वल इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय टू वो बन जाएगा 180 डिग्री। ये है डिग्री, ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ऐसे थोड़ा है, ये डिग्री है, दिस नॉट ए जीरो से डिग्री। अब पांचवा है, दीज आर ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल, इज कॉल्ड ए राइट एंगल। कौन सा एंगल को हम राइट एंगल को, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड 90 डिग्री। छठा, दीज आर ऑल फिल इन द ब्लैंक्स। टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल, ऑफ ए राइट एंगल इज, टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इज 180 डिग्री। तो हम ये देखो, मैं फिर से और भी करवाता, एंड एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को हम किससे मेजर करते हैं, डिग्री से, डिग्री इज रिटन एज जीरो, दिस कॉल्ड डिग्री। वन बाई टू ऑफ ए राइट एंगल इज कॉल्ड 145 डिग्री, ये जीरो नहीं, ये डिग्री है, ए राइट एंगल का हाफ, टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इज 180 डिग्री। राइट एंगल को हम दो बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट एंगल इज कॉल्ड 90 डिग्री, हम दो बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डैश 90 एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल, दैट्स 90 इसको, टू टाइम्स ऑफ ए राइट एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री। इसको हम फिर मिटाएंगे और भी हम एग्जाम्पल्स हम करेंगे। अब देखो
एक या पांच छठा एंड एक्यूट इज एन ए सी यू टी एक्यूट एंगल इज मोर देन जीरो डिग्री बट लेस देन कितना बट लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहां पर क्या आएगा 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल जो है इट इज मोर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री. ए डैश एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. एक एंगल जो है वो 90 के बराबर कौन सा एंगल है? दैट्स कॉल्ड राइट एंगल. आर आई जी एच टी राइट एंगल. आठ वन एंड ऑब्टूस एंगल एक एन ओ बी टी यू एस ई ऑब्टूस एंगल. ऑब्टूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. 180 डिग्री. नवा देखिए एंड ऑब्टूस एंगल जो ऑब्टूस एंगल है मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. जैसे ये दिस इज कॉल्ड एंड ऑब्टूस एंगल. टू सम ऑफ टू राइट एंगल्स जैसे लिखो सम ऑफ टू राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन हंड्रेड. देखो सम ऑफ टू राइट एंगल क्या है 90 प्लस 90 वो किसके बराबर आएगा 180. तो हमने क्या किया आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स किया एंड एक्यूट एंगल जीरो देन मोर देन जीरो बट लेस देन 90. राइट एंगल इज इक्वल टू 9. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. डैश वो राइट एंगल है एंड ऑब्टूस एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो 90 बट लेस देन 180 डिग्री. चलो ओके.